Hey guys, welcome back to my channel. Subscribe and press the bell icon for notifications to keep your sunny side up. Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आपके लिए डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ. होप सो आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ये बहुत ही कम सामान से जल्दी ही बन जाती है. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या बनाने वाली हूँ. साइज की लौकी से आपकी 10 इतनी थिक बर्फी आराम से बन जाएंगी जो अगर आपकी 4 की फैमिली आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं लॉकडाउन में और मजे ले सकते हैं. इसको अच्छे से आप पील कर लेंगे, वॉश करके इसको ग्रेट कर लेंगे. ऐसे हम इसको ग्रेट कर चुके हैं. देखिए इसके अंदर अभी पानी है, दिख रहा है आपको? तो अच्छे से क्या करेंगे, इसको ऐसे प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे. हमने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है. तो अब ये बाकी का प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेते हैं. मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है, वो भी फुल क्रीम. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फुल क्रीम मिल्क यूज कीजिए रेदर देन टोन्ड मिल्क. आपको जो मिल्क है वो पहले अच्छे से बॉईल करना है, उसके बाद ही हम इसके अंदर ग्रेटेड जो हमारा लौकी है वो ऐड करेंगे. आपका ग्रेट करने से लेकर आपका पूरा बनने में बर्फी ये पूरा 1 घंटा ले लेता है. तो आपको उसमें 60 मिनट्स देने हैं और बहुत ही यम्मी आपका डेजर्ट रेडी हो जाएगा. और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो 60 मिनट आपके लिए यूं निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और अच्छी रेसिपी बन जाएगी. लौकी जो है वो अच्छे से पक गई है और जो मिल्क है वो मलाई में भी कन्वर्ट हो चुका है. तो अब इसके अंदर हम जैगरी पाउडर ऐड करेंगे. आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी रेसिपीज जो रहती हैं वो हेल्दी रहती हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे जैगरी पाउडर यूज कर रही हूँ. तो फ्लेम को ऑफ करेंगे, उसके बाद ही हम जैगरी पाउडर डालेंगे क्योंकि जैगरी से हमारा जो दूध है वो फट सकता है. हलवा हमारा रेडी हो चुका है, आप चाहे तो इसको इस स्टेज पे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम बर्फी बना रहे हैं. बर्फी बनाने के लिए हमारा जो ये हलवा है वो एकदम रेडी है क्योंकि दूध जो है एकदम एब्जॉर्ब हो चुका है. अभी इसमें कोई दूध नहीं बचा है, कोई मिल्क नहीं बचा है. तो ये आखिरी टिप है आपके लिए मेरी कि अगर आपको बर्फी बनानी है तो आपको दूध बिल्कुल एब्जॉर्ब करना है, अदरवाइज आपकी बर्फी जो है वो नहीं बनेगी और वो हलवा ही रह जाएगा. हमने इसको 1 लेवल में सेट कर लिया है. अब इसके ऊपर हम लोग कोकोनट ग्रेट कर लेंगे. आप चाहें तो कोकोनट अवॉइड कर सकते हैं, बट सीरियसली इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा. साथ में मैंने इसमें मस्क मेलन के कुछ सीड्स जो हैं वो ऐड किए हैं. आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं. अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि जो हमारी बर्फी के पीस है वो अच्छे से बन जाए. तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज 5 अप्रैल है और आज पीएम मोदी ने हमें बोला था कि 9 बजे रात को जाकर बैल्कनीज में या अपने घर के गेट पे जाकर आपको कैंडल या टॉर्च या फिर दिए वो सब जलाने हैं. क्या होता है जब दिवाली होती है सब हम लोग सरसों के तेल के दिए जलाते हैं तो कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है हमारे चारों तरफ. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दिए ही जलाइएगा. आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय.